वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर स्मिता शर्मा और मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। यूनिट थर्ड का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सेंटर ऑफ मास और एंगुलर मोमेंटम के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सेंटर ऑफ मास हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया था, आज हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। और एंगुलर मोमेंटम के टॉर्क के साथ साथ हम टॉर्क की बात करेंगे, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे। और एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क जो है वो किसी मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए, बहुकण निकाय के लिए कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम परिभाषा साधारण उसमें देते हैं तो वो क्या होता है, किसी जड़त्वीय फ्रेम में किसी कण के रेखीय संवेग का किसी नियत बिंदु के प्रति आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। इट इज मोमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम एट अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका जो कोणीय संवेग का जो महत्व होता है वो रोटेशनल मोशन में होता है, और ठीक उसी प्रकार से होता है जैसा लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम का होता है। तो कोणीय संवेग का जो मान है वो हमारा दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो हमारा रेखीय संवेग के ऊपर और दूसरा हमारा रेखीय संवेग यानी पी बराबर एम इन टू वी पर निर्भर करता है, और दूसरा उसके पोजीशन वेक्टर पर निर्भर करता है, जिस इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे होता है ये अभी हम देख लेंगे। इसको हम जनरली जो कोणीय संवेग का जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो जे या कैपिटल एल से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। और हम रेखीय संवेग और स्थिति सदिश को अगर हम दोनों को काम में लें तो हमारा जो कण का कोणीय संवेग है वो जे बराबर आर क्रॉस पी के बराबर होता है। पी को हम लिख सकते हैं एम इन टू वी, एम को हम बाहर निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से, तो आर क्रॉस वी हो जाएगा, एम आर क्रॉस वी। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग का मैथमेटिकल रूप है। यानी अब देखो r क्रॉस v है, यानी j वेक्टर जो है वो किस दिशा में होगा, वो उस तल के लंबवत होगा जहाँ r और v स्थित है। तो r अगर मान लो आपका कोई जो पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर r है इधर ओरिजिन से, और वो इस दिशा में गति कर रहा है, इस तल में गति कर रहा है, तो R भी इसी तल में हो गया, V भी इसी तल में हो गया, तो J जो है वो इसके लंबवत दिशा में होगा, आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम J के दिशा की गणना कर सकते हैं। तो कोणीय संवेग एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा आर तथा पी के लंबवत होती है, और दाहिने हाथ के पेच नियम राइट हैंडेड स्क्रू रूल से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसका जो परिमाण है या मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो आर पी साइन थीटा, तो जे का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा, अगर हम उसको पी का मान रख दें तो। तो थीटा जो है वो क्या है, थीटा जो है वो आर और पी के बीच का कोण है, है ना। तो आर और पी के बीच का कोण है, तो इसमें आर और वी के बीच में जो है वो हमारा जो थीटा है वो हमारे को कहीं दिखाई देगा। अब किसी वृत्ताकार पथ में पर गमन गतिमान कण के लिए, अगर मान लो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, तो हमें पता है v जो होता है वो ओमेगा क्रॉस r होता है ना, जहाँ ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होता है, सर्कुलर मोशन करते हुए उसके अंदर जो जे की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, अगर फिंगर्स राइट हैंड के फिंगर्स हमारी उसके मूवमेंट को, गोल मूवमेंट को प्रदर्शित करें, गति के तल को प्रदर्शित करें। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हम मैथमेटिकली करें, तो मैथमेटिकली हमने क्या निकाला था अभी, जे बराबर एम वी आर साइन थीटा, है ना, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया था।
अगर हम उसको मैथमेटिकली लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जे एम आर क्रॉस वी था, वी की जगह मैं अब लिख देती हूँ ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस आर लिख देती हूँ, तो अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, तो इसको ट्रिपल प्रोडक्ट की तरीके से ही फॉर्मूले से खोलते हैं। तो खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आर डॉट आर माइनस आर आर डॉट ओमेगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसको अगर और फर्दर देखो, आर डॉट आर है ना, तो ये तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा, और आर और ओमेगा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, लंबवत हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये तो जीरो हो जाता है और ये हमारा एम आर स्क्वायर ओमेगा रह जाता है। अब हमने पढ़ रखा है एम आर स्क्वायर हमारा जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है, आई के बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, तो इसकी जगह हम आई ओमेगा लिख सकते हैं। तो जे का एक और नया फॉर्मूला बन गया, जे बराबर आई ओमेगा, ये इन्होंने लिख रखा है कि आर डॉट ओमेगा जीरो होते हैं इसलिए आई ओमेगा हो गया, जहां आई जो है वो कण का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिए, जे और ओमेगा की दिशा सेम होती है तथा ये अक्षीय वेक्टर कहलाते हैं, ये एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि दे आर अलोंग द सेम एक्सिस, इसलिए ये एक्सिस एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। अगर हम इसको घटकों के रूप में लिखें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी आई जे के, जैसे हम मैट्रिक्स इसके फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना, तो और इस तरीके से हमें लिखना आता है इसको ओपन करके। तो घटकों के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो अगर जे जो है वो जे एक्स आई प्लस जे वाई जे प्लस जे जेड के फॉर्म में हो, तो उसके जो अलग अलग घटक हैं उनका मान यहाँ से निकाला जा सकता है, ये पहला घटक का मान, ये दूसरे घटक का मान और ये तीसरे घटक का मान, ये नीचे लिख दिया है, जे एक्स का मान इतना 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 होगा, ठीक है। और अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट अगर हम एम के सिस्टम में देखें तो क्या हो जाएगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगी, या हम इसको जूल सेकंड भी कह सकते हैं। तो ये हमारी यूनिट बेसिकली एंगुलर मोमेंटम की होती है, ये आपको याद रखनी चाहिए, जूल इंटू सेकेंड। अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे, टॉर्क। अब ये दो देखो, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, कोणीय संवेग और बल आघूर्ण, ये दोनों ही हमारे रोटेशनल मोशन में ही काम में आते हैं, लीनियर मोशन में इनको हम यूज में नहीं लेते। तो किसी बल का किसी नियत स्थिर बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बल आघूर्ण कहलाता है, यानी इट इज मोमेंट ऑफ फोर्स अलोंग अ कॉन्स्टेंट पॉइंट, उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, टॉर्क कहते हैं। और टॉर्क का वही महत्व होता है जैसा फोर्स का लीनियर मोशन में होता है, ठीक है। तो एक प्रकार से लीनियर मोशन में जहाँ जहाँ हम फोर्स को कंसिडर करते हैं, वहाँ रोटेशनल मोशन में हम हमारे टॉर्क को कंसिडर करते हैं। और टॉर्क जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो किसी वस्तु पर कण पर लगने वाले बल एफ पर, और उसका नियत बिंदु से जो उसके कण का स्थिति सदिश है उन दो के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, इसे प्रदर्शित हम टो से करते हैं। तो अगर हमारे को टो को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हम बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, देखिए, टो बराबर आर क्रॉस एफ। तो हमारे इसके अंदर डायग्राम में देख लीजिए, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है किसी पार्टिकल पे और आर ये है, तो टॉर्क जो है वो इस प्लेन से लंबवत जो तल है उसमें टॉर्क स्थित होगा, ठीक है। बल आघूर्ण भी एक सदिश राशि है और आर और एफ के लंबवत होती है, और राइट हैंड स्क्रू रूल से इसको ज्ञात किया जा सकता है, और ये भी घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, परिमाण निकालेंगे तो परिणाम जैसे इसका निकाल सकते हैं, आर क्रॉस एफ है तो आर एफ साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ थीटा जो है वो आर और एफ के मध्य का कोण है।
अब अगर यहाँ पर थीटा 90 डिग्री होता है तो साइन 91 होता है, ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण का मान आर इंटू एफ अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी नहीं परपेंडिकुलर नहीं, अगर एक दूसरे के पैरेलल है, एक दिश एक दूसरे के अनुदिश है, तो साइन का मान 0 हो जाएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में बल आघूर्ण 0 हो जाएगा। अब बल आघूर्ण का मात्रक बड़ा ही सिंपल है, न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूटन इंटू मीटर है। अब ये दोनों चीज़ें ही हमारी रोटेशनल मोशन से कंसिडर रखती हैं, तो इन दोनों के मध्य रिलेशन क्या है तो वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अब हम करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, जे बराबर आर क्रॉस पी, और उसको टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये लो जी अवकलन कर दिया। अब इसमें दो राशियां हैं तो एक बार आर का अवकलन होगा एक बार पी का होगा, तो डी आर बाई डी टी क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, है ना। अब देखिए इनमें से क्या क्या बन रहा है, डी आर बाई डी टी को हम वी लिख सकते हैं और पी को हम एम इंटू वी लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको वी लिखेंगे, इसको एम इंटू वी लिखेंगे, तो ये वी क्रॉस वी बन रहा है, तो वी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा 0 हो गया। तो डी जे बाई डी टी हमारा केवल एक टर्म रह गई, ये वाली टर्म आर क्रॉस डी पी बाई डी टी की टर्म रह गई हमारे पास। अब हमारे को मालूम है आर क्रॉस डी पी बाई डी टी, तो डी पी बाई डी टी तो न्यूटन के द्वितीय नियम से फोर्स के बराबर होता है, तो ये एफ लिख देते हैं इसकी जगह, तो डी जे बाई डी टी बराबर आर क्रॉस एफ। लेकिन आर क्रॉस एफ तो अभी हमने टो के बराबर पढ़ा है, तो इसको हम टो लिख देते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन आ गई, डी जे बाई डी टी बराबर टो। ये कोणीय संवेग और टॉर्क के मध्य संबंध को ये इक्वेशन प्रदर्शित करती है, यानी कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल आघूर्ण के बराबर होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क ऑन द पार्टिकल। अब हम ये तो हमने साधारण पढ़ा है, जो थोड़ा बहुत आप लोगों को इसके बारे में पता था। अब अगर हमारे को वही बहुकर्ण निकाय दिया जाए तो हम कोणीय संवेग कैसे ज्ञात करेंगे, टॉर्क कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम पढ़ लेते हैं। तो अब हमने क्या करा है, वही एक कण ले लिया, कण तंत्र ले लिया, एक पार्टिकल सिस्टम ले लिया, वो जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और सभी पार्टिकल फ्रीली घूम सकते हैं, है ना। तो हर एक बिंदु कण के किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष हर एक कण का जो कोणीय संवेग है वो J1, J2, J3 ऐसे हो सकता है ना। और जो कण तंत्र का कुल कोणीय संवेग है वो इन सभी के सदिश योगों यानी वेक्टर सम के बराबर है। तो अगर J टोटल उसका कण तंत्र का कोणीय संवेग है तो J किसके बराबर हो जाएगा, J1 प्लस J2 प्लस J3, इस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब J की जगह हम वही फॉर्मूला लगा देते हैं R क्रॉस P, तो यहाँ आ जाएगा R1 क्रॉस M1V1, P का मान रख दिया मैंने M1V1, ऐसे ही R2 क्रॉस M2V2। यहाँ ध्यान रहे ये जो पहले कण का द्रव्यमान है वो M1 हमने माना है, उसका पोजीशन जो एक निश्चित बिंदु है उसे पोजीशन वेक्टर R1 है और उसका वेग V1 है। ठीक इसी प्रकार अन्य कणों का भी हमने मान लिया, तो हम इनको एक साथ लिखेंगे तो समीशन RI क्रॉस M1VI हो जाएगा, MIVI हो जाएगा, है ना। या हम इसको RI क्रॉस PI लिख सकते हैं। ऐसे ही टॉर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, J जो है वो हमारा ये है, हम इसको अवकलित कर देते हैं, अवकलित करेंगे तो DJ बाई DT निकलेगा, है ना। J का मान रख दिया, अब इसका T के सापेक्ष अवकलन करा, जैसे पहले किया था वैसे ही हम इसको दो बार अवकलित कर देते हैं। तो DR बाई DT क्रॉस PI वही वापस VI क्रॉस MIVI होगा, तो फिर से 0 हो जाएगा, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, और इसमें DPI बाई DT क्या हो जाएगा, फोर्स के बराबर है तो FI हो जाएगा,
तो हम इसको एफ आई लिख देते हैं। तो डी जे बाई डी टी विल बी इक्वल टू आई 1 to n आर आई क्रॉस एफ आई। तो ये चीज़ जो है वो हमारी टॉर्क होती है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो बराबर समीशन आर आई क्रॉस एफ आई समीशन आई 1 to n। ये हमारा क्या हो गया, बहुकर्ण निकाय के लिए टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, जो कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब कण तंत्र में कण गतिमान होते हैं तो उसकी गति बाह्य और अन्योन्य क्रियाओं के आंतरिक बलों के प्रभाव में होती है। तो इस कण तंत्र के किसी कण पर कार्य करने वाला परिणामी बल जो होता है वो बाह्य तथा आंतरिक बलों के योग के बराबर होता है। तो हम जैसे पहले भी लिखते आए हैं, एफ आई बराबर एफ आई एक्सटर्नल प्लस एफ आई जे इंटरनल फोर्सेस को हम इससे करते हैं, है ना। अच्छा, ये मान हम इसमें ऊपर रख देते हैं, तो हमारा आर आई क्रॉस एफ आई प्लस एफ आई जे कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। इनको हम खोल लेते हैं तो ये अलग अलग फॉर्म में आ गया, ये तो एक्सटर्नल का हो गया, ये इंटरनल का हो गया। अब क्या है कि इसमें जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य क्रिया करती है, एक दूसरी पे करती है तो दूसरी पहली पे करती है, इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो न्यूटन के तृतीय नियम से क्या होता है, इसका मान जो है वो हमारा 0 हो जाता है। तो इसका मान 0 हो जाने के कारण, देखो पहले नहीं हो रहा था, अब हो गया, समीशन आई जो आई और जे जो है वो दोनों समीशन लगने के कारण हमारा अब 0 हो गया इसके अंदर, तो ये मान 0 हो जाता है। तो केवल हमारा टो का जो मान है वो बाह्य टॉर्क बाह्य बल के कारण ही टॉर्क उत्पन्न के कारण होता है। तो इस तरीके से हम कोई भी कण तंत्र निकाय का बल आघूर्ण और कोणीय संवेग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम जो चीज नई करेंगे वो है हमारा कण तंत्र का द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष कोणीय संवेग। अभी तक हमने एक जनरल पढ़ा है कण तंत्र के लिए, अब बहुकर्ण निकाय में हमने पढ़ लिया है कि एक द्रव्यमान केंद्र होता है। तो द्रव्यमान केंद्र के रिस्पेक्ट में अगर हम कोणीय संवेग निकालना चाहते हैं तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमने फिर से यही ले लिया, एक कण तंत्र ले लिया जो बहुत कणों से मिलकर बना है, उसमें हमने एक बिंदु ले लिया पी, जिसको हम जिस पर आईवे कण स्थित है, जिसका सदिश जो है वो बिंदु के सापेक्ष तो आर आई है और उसका वेग वी आई है, और उसके अंदर जो द्रव्यमान केंद्र है उसका नियत बिंदु ओ से उसका जो स्थिति सदिश है वो आर सी एम है, और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष ये जो आईवा कण है उसके स्थिति सदिश आर आई डैश है और उसका वेग उसके रिस्पेक्ट में वी आई डैश है। ये सब चीजें हमने पूर्व में मान ली। तो अब हम निकालते हैं कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो है बिंदु ओ के सापेक्ष तो हमने निकाल रखा है, ये फॉर्मूला था, है ना, इसको हमने एक बार पी आई लिख दिया। अच्छा, अब हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष। तो सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष जे सी एम डैश निकाल लिया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम आई आर आई डैश, और एक मिनट, ये आर आई डैश हो जाएगा, है ना, और क्रॉस वी आई डैश ऐसे ही निकलेगा जैसे इसमें निकाला था वैसे ही इस बिंदु के रिस्पेक्ट में निकाला, तो ये भी यही फॉर्म होगा। लेकिन अगर हम डायग्राम देखें तो आर आई डैश किसके बराबर होता है, आर आई डैश जो होता है वो आर सी एम और आर त्रिभुज नियम से आर सी एम और आर एम का डिफरेंस होता है, आर आई माइनस आर सी एम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपने आर आई डैश लिखा है इसकी जगह आर आई माइनस आर सी एम लिख देते हैं, लिख दो। अच्छा, इन्होंने क्या करा, पहले अलग से पहले अवकलित कर लिया, इसको दोनों तरफ अवकलन कर लिया, तो वी आई डैश माइनस वी आई माइनस वी सी एम भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इनका मान यहाँ पर लगा देते हैं, आर आई डैश का मान लगा दिया और वी आई डैश का मान लगा दिया। अब हम इसको बड़े तसल्ली से ओपन करते हैं, तो देखो पहली टर्म होगी आर आई क्रॉस वी आई, दूसरी टर्म हो जाएगी आर आई क्रॉस वी सी एम, तीसरी हो जाएगी आर सी एम क्रॉस वी आई, चौथी हो जाएगी आर सी एम क्रॉस वी सी एम, है ना। अब इसको तो हम नहीं छेड़ते, इसमें कुछ करने लायक है नहीं हमारे पास। इसमें आर आई क्रॉस वी सी एम
इसमें भी हमारे को RI क्रॉस VCM, और इसमें भी कुछ नहीं दिख रहा, इसको भी ऐसे ही रहने दो। फिर उसके बाद है हमारा, अरे एक मिनट, उसके बाद हमारा आ रहा है MI RCM क्रॉस VI और RCM क्रॉस VCM, है ना। ये सारों का समीशन हमने कर लिया। तो अब समीशन करेंगे ना, तो देखो इसमें से कुछ टर्म हमारी हट जाएंगी। क्यों हट जाएंगी? RCM और VCM का मान कांस्टेंट होता है, तो ये हमारी बाहर निकल जाएंगी। तो बाहर निकल जाएगी तो समीशन क्या आ जाएगा हमारा, जो JCM जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? देखो इस वाले में, पहले वाले टर्म में तो क्या होगा, MI ये वाली जो JCM वाली जो इसमें है, इसमें क्या करा मैंने, MI को इसके साथ ले लिया, तो हमारे पास आ गया RI क्रॉस MIVI, ठीक है। अब दूसरी वाली जो टर्म है उसमें मैंने MI समीशन MI RI कर लिया, VCM को बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है। इसमें RCM को बाहर निकाल दिया तीसरी वाली टर्म में, और MIVI रह गया, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट रह गए। और तीसरी वाली, चौथी वाली टर्म में RCM क्रॉस VCM पूरा बाहर निकल गया। अब देखो, अब इसको वन बाय वन हम इनको जज करते हैं कि हमारा क्या चीज निकली। देखो समीशन MI RI तो RCM के बराबर होता है, ये हमने पढ़ रखा है। MIVI MVCM के बराबर होता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। समीशन MI M के बराबर होता है। तो ये सारे मान हम हमारी समीकरण में लगा देते हैं, लगा दो। तो अब जैसे हमने पहले समीकरण में J0 डिफाइन किया हुआ था, वो J0 मैंने लगा दिया, माइनस एम आर सी एम क्रॉस वी सी एम माइनस आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम प्लस आर सी एम क्रॉस वी सी एम एम आ गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर से क्या होगा, ये तीनों एक जैसे से, तो एक कट जाएगा ना, दो कट जाएंगे आपस में कट जाएंगे, तो एक रह गया आर सी एम क्रॉस एम वी सी एम रह गया। एम वी सी एम को हम पी सी एम लिख सकते हैं, तो आर सी एम क्रॉस पी सी एम। अब आर सी एम क्रॉस पी सी एम भी हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, लेकिन सी एम के अक्रॉस होगा। तो हम इसको लिख देते हैं जे सी एम ओ, क्योंकि ओ के रिस्पेक्ट में ही हमने पोजिशन वेक्टर निकाला हुआ है, आर सी एम तो ओ के रिस्पेक्ट में है, तो हमारा ये आ गया जे डैश सी एम बराबर J0 माइनस जे सी एम ओ, जहां पर जे सी एम ओ जो है द्रव्यमान केंद्र का बिंदु ओ के सापेक्ष कोणीय संवेग है। इट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। इसको थोड़ा सा और हम ठीक से लिखें तो जे ओ जो है वो हमारा क्या हो गया, जे ओ बराबर जे सी एम ओ प्लस जे सी एम जे डैश सी एम हो गया। तो इस तरीके से ये जो रिलेशन है वो हमारी सेंटर ऑफ मास के रूप में के रिस्पेक्ट में अगर हम एंगुलर मोमेंटम निकाले किसी बहुकर्ण निकाय का, तो वो कुछ इस प्रकार से निकलता है, इन दो चीजों के जोड़ के वो सदैव बराबर होता है। अब इसी कोणीय संवेग से रिलेटेड है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो नियम कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है टो जो होता है वो होता है DJ/DT और वो आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। अब मान लो किसी एक जगह पर टो का मान जो है वो जीरो हो जाए। अगर टो का मान जीरो हो जाएगा तो DJ/DT क्या होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और जे ऐसी स्थिति में एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में कण का जो कोणीय संवेग है वो सदैव संरक्षित रहता है, यही इस कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। इसको, ये थोड़ा सा मेरे साफ नहीं आया है, अगर हम इसको बहुकर्ण निकाय के लिए करेंगे तो ऐसी स्थिति में भी वही के वही इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं। इसी के संदर्भ में साथ ही साथ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी निकाल सकते हैं। हमें मालूम है जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी स्थिति
या उसकी जो बनावट है उसके आधार पर होती है, और दूसरी हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी जो गति के कारण होती है। हाफ एम वी स्क्वायर उसका फॉर्मूला होता है, और कार्य ऊर्जा प्रमेय से डब्ल्यू जो है वो डेल्टा के बराबर होती है। ये दोनों ऊर्जाएं जो हैं इनका योग जो है वो मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, और हमें पता है कि जो गतिज स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है वो माइनस ऑफ डेल्टा के बराबर होता है, या हम यूँ कहें के प्लस यू जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारी स्थिर रहती है। तो अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, तो कोई भी बल क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जो है वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। जैसे आपने एक गाड़ी शुरू करी और दौड़ाई, तो काइनेटिक एनर्जी पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, तो इंक्रीज हो गई काइनेटिक एनर्जी। उसके साथ ही साथ जो बल क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य जो है वो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि करता है। अगर आपने ब्रेक लगाया तो वो स्थितिज ऊर्जा यानी वो उसकी स्थितिज ऊर्जा में इंक्रीज करता है। तो के टू माइनस के वन जो है माइनस यू टू माइनस यू वन के बराबर होता है, और अगर हम उसको रीअरेंज करें तो वापस एनर्जी कांस्टेंट ही आती है। ये हमारी एक ऊर्जा फलन के बारे में जानकारी है जो यांत्रिक ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा एक रूप से अन्य रूप में परिवर्तित की जा सकती है, उत्पन्न नहीं किया जा सकता है इसको, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, बट इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। यही हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आज इतना ही करेंगे। धन्यवाद।